ठीक हो, अल्लाह करे तुसी वसदे रहो ते खुश रहो, अल्लाह करे पूरा पाकिस्तान कारोबारी तबका, किसान सारे जिहड़े पूरे पाकिस्तान मजदूर तबका सारे, अल्लाह ताला सन सारे अपनी अमान च रखे और पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह तुसी सब पाकिस्तान तरक्की करेगा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान दुनिया ते एक ताकतवर मुल्क इंशाल्लाह बन के साबित होगा, क्योंकि पाकिस्तान जिहड़ा है अल्लाह रसूल वास्ते बनया है, और पाकिस्तान जिहड़ा है पाकिस्तान के लोग मुखलस नो, और पाकिस्तान ना मुखलस नो और बाकी दुनिया नाल भी मुखलस, जिहड़े जिहड़ा दोस्ती लाते हैं प्रॉपर तरीके नाल लाते हैं। हुण असीं ये गल करनी है जिहड़ी डिस्पोजल दे गल करनी है कि तकीर साहब अपने भाई फिरदास खान साहब दा तल्लक है, तो मैं इन्हां उत्थे गया सी मिलने वास्ते, तो राह च जिवें मतलब है कि मैं मतलब रसूल बराज चो गुजरिया तो 2 घंटे 3 घंटे लगे लगा जाण लग्या, राह खराब ट्रक ते मतलब फसे ने गड्डिया फसिया ये वो मुस्लिम साहब गल ये करनी कि कौन करेगा, ये क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये क्या सड़क जिम्मे लाहौर दिया या इस्लामाबाद दिया सड़क बन गई क्या वो साढ़े पाकिस्तानी नहीं है, उन्होंने तो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में क्योंकि उसके सीमेंट फैक्ट्रिया नमक निकलता है उतो माइंस नो और मुख्तलिफ मामलात नो आई सी आई और मुख्तलिफ चीज़ा उनते फॉरन रोड बनना चाहिए, बहुत जरूरी रोड है, तो की सब की मतलब है क्यों डिले क्यों है या क्यों प्रॉब्लम की चल रही है। सर विजट तो सर लिया देखे साढ़े हालात की कुकर साहब साढ़े को मरीज बर वक्त हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकता, जरूरियात जिंदगी की अशिया वास्ते अस ट्रैवल नहीं कर सकते, क्या अस इंडिया तो आए सही गल मरियम नवाज पूरे सूबे अच्छा काम कर रही, मेरी रिक्वेस्ट है कि साढ़े जिले साढ़े तहसील की तरफ भी नजरसानी नजरसानी करना चाहिए, क्योंकि उसे बेड़े ने जेड़े मंडी बहुत बहुत का खेल हो रहा, बहुत का खेल हो रहा, और मौजूदा हुकूमत ने तहसील पिंड का इंसान जिला जेलम एक मजबूत किला साबित होया पिछले दौर से, इस वजह तो कोई नजरसानी नहीं हो रही। सर मुश्किल इतनी कि अगर बारिश हो जाए तो सानू नहीं पता कि अस गड्डी ते आ मोटरसाइकिल ते आ कि अस साबित वापस भी आना की कोई और कदों वापस जाना कार कदों वापस पता ही नहीं कार गड्डी निकलनी कि नहीं निकलनी गड्डी फंस गई बहुत उतने सानू ये खौफ ही रहंदा कि अस इस तो इस डूब ना जाइए, ये गल है क्योंकि उस पानी को हो जाता पानी खलो जाना कोई पता नहीं है कि स्लिप हो जावे गड्डी दे च थल्ले जा पावे पहाड़ी इलाके ना थोड़ी जी बारिश होती है तो आए रोज इतनी ट्रैफिक खुला के सीमेंट के ट्राले आते हैं हर चीज़ आती है, साढ़े तहसील के बीच बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियां सीमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, नमक की कान है, कोयले की काना है, टूरिज्म है, उस तो बाद आई सी आई है, ये चीज़ नहीं है, हर चीज़ है, सर पट्टी है, ये पट्टी ये पट्टी है ना अगे तो हड़ा निजाम चलता ही गया चलता गया हूँ खराब हो गया हूँ कम अज कम इन फिर मुकम्मल करना चाहिए। साढ़े ग्रां तो पिंड दादर खान 16 किलोमीटर जिस टाइम टाइम कितना लगता है टाइम जिस टाइम पट्टी नहीं सी 12 से 15 मिनट हद ज्यादा जो 18 मिनट या 20 मिनट ला दो अपने तरतीब ना जाओ हूँ वो टाइम अस 1.25 घंटे 1.5 घंटे एक एमरजेंसी मरीज है वो THQ इतनी देर में पतले पहुंच रही है करीब ये जनरल प्रॉब्लम है काबले रह में मतलब ये कोई इंसानियत की तजरीद हो रही इंसानियत क्योंकि वो थे भी साढ़े प्राण बहना ये वो लोगों के मामलात नो तो इस तरह से निजाम नहीं चलता एक मतलब बनाने का मतलब एक सोशल मीडिया से ताकि वायरल होवे अगे जावे हुकूमत वक्त तक पहुंचे ताकि वो इस पर तवज्जो दे कई दफा ऐसा होता है कि वो मतलब अहम नहीं होता जो पता चलता है फिर पता लगता है बड़ा अहम सी मामला सब तो अहम चलना चाहिए तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह के मतलब गवर्नमेंट जी इस पर गौर करेगी अगर गौर करेगी इंशाल्लाह हमारी रिक्वेस्ट है जिसको जल्द से जल्द जो है ना कंप्लीट किया इंशाल्लाह इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद।